भागलपुर में तो विकास नाम का हमको कोई चीज नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा रोड वगैरह नाली उली थोड़ा बना है और कोई खास बात नहीं आता। वो तो कभी शनवाजे हुसैन ने कर दिलवाए स्मार्ट सिटी का दर्जा, लेकर कहाँ कुछ किए? कुछ नहीं किए। एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट जहाज उड़ेगा कहाँ? अभी तक हुआ कहाँ? हुआ देख नहीं गया करके, कुछ नहीं हुआ। हाँ, नोटबंदी की वजह से बहुत खराब असर पड़ा था हम लोग के बिजनेस पर भी। हाँ, GST की वजह से भी बहुत खराब है। स्मार्ट सिटी जिस तरह से कहा जा रहा है कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, सिर्फ नाम दे दिया गया है स्मार्ट सिटी। हाँ, सिर्फ नाम दे दिया गया है स्मार्ट सिटी, काम कुछ नहीं। जो आज से 5 साल पहले था वही आज भी है। भागलपुर का रुख समझिए कि अभी तो हम देख रहे हैं लोग का चहल पहल अभी इससे ज़्यादा जुदा है। कांग्रेस और लालू की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। न नाली बना, न पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। स्मार्ट सिटी खाली कागज़ पर स्मार्ट सिटी हो गया, सिर्फ कागज़ पर, खाली कागज़ पर कोई काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का। न मोदी के कोई काम से तो हम लोग खुश नहीं है। मोदी का कोई काम अच्छा नहीं है। महंगाई बहुत आसमान में पहुँचा हुआ है, समझा ना, और बहुत परेशानी है उसके वजह से। मोदी की वजह से हम लोग का, उससे अच्छा तो लालू रास्ता हम लोग के लिए। इस बार NDA की तरफ से अजय मंडल जी, कोई उपाय नहीं, चोर चोहड़ को देखे इलेक्शन क्या करेगा आदमी। नमस्कार, मैं केशव कुमार झा, आप सभी का स्वागत है लाइव सिटीज में। मैं इस वक्त मौजूद हूं भागलपुर के ततारपुर मार्केट में और यहां पर जानेंगे कि 2019 की लोकसभा चुनाव में ततारपुर मार्केट की जनता किसे चुनेगी, किस तरफ भागलपुर की जनता रुख करती है 2019 की लोकसभा चुनाव में, वर्तमान सांसद भूलो मंडल या NDA प्रत्याशी अजय मंडल की तरफ से। भागलपुर के अंदर जो है, मतलब कि जो ना भूलो मंडल ही को लोग जो है ना चाह रहे हैं और भूलो मंडल ही को देंगे जी। यहाँ से बात चल रही थी कि शाहनवाज हुसैन को टिकट मिलेगा NDA की तरफ से, लेकिन टिकट उनको नहीं मिला। नहीं, अगर टिकट मिलता तो क्या उनके पक्ष में ज़्यादा बेहतर परिणाम आता? देखिए, वो आने के बाद ही, जब है ही नहीं है तो फिर उनका जिक्र करना तो बेकार है। यहाँ पे जिक्र करना बेकार है जी। यहाँ पे भूलो मंडल है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने काम किया है स्थानीय काम। हाँ बिल्कुल किया है। क्या है जी, केंद्र में मोदी जी के कार्यकाल को किस तरह देख रहे हैं? केंद्र में तो वो ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमें तो नहीं लग रहा है कि कहीं पर से उनका कहीं पर से ऐसा कुछ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि फर्जी वाड़ा है। नहीं देखिए, वो आरोप तो जो एक दूसरे को लगाता ही है, ऐसी बात नहीं है। हम भी आप पे लगा सकते हैं, आप भी हमारे ऊपर लगा सकते हैं। वो आरोप लगाना तो वो एक अपना ये है, मिजाज है। लालू का पार्टी रहे या BJP का पार्टी रहे, सब पार्टी एक है, सब एक है, जितना नेता सब एक है। इस बार NDA के तरफ से अजय मंडल यहाँ से उम्मीदवार हैं। हाँ। जानते हैं आप उनको? जानते तो हैं। मिलने आते हैं आप लोगों से? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। RJD के उम्मीदवार भूलो मंडल, वो तो यहाँ है, बेकर उससे तो मिलते रहते हैं। वो मिलते हैं लोगों से? मिलते हैं, वो मिलते हैं। हाँ, इस बार आप लोग किन मुद्दों के साथ वोट करेंगे? भागलपुर का मुद्दा क्या है? जो मुद्दा पूरे हिंदुस्तान का भी मुद्दा भागलपुर का है, समझा ना। अच्छा। न शिक्षा सही है, न रोड सही है, न पानी का प्रॉब्लम है, सही है, खाली लपाटबाजी वाला काम होता है। गंगा ब्रिज में साफ कर रहा गंगा को, जिंदगी में गंदा साफ नहीं होगा, उसका पानी कहाँ जाएगा? यहाँ पानी जो पड़ेगा कहाँ जाएगा? सोने में रहेगा कि गंगे में जाएगा? ये सब प्रकृति पर जो धार डालता है मोदी जी, वो अच्छा काम नहीं है। अरे गंगा में तो पानी जाने है कि नहीं जाएगा? पानी कहाँ जाएगा? यहाँ का पानी भले बता दी, कहाँ जाएगा? जाएगा कहीं पानी? कि जहाँ पानी रोक दिएगा तो फिर भागलपुर डूब जाएगा। तो क्या आप मोदी जी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं? किसी नेता से कार्यकाल से खुश नहीं है। नहीं, वो देखिए, वो तो एक ये लड़ाई है, ठीक है, इस लड़ाई में जो है ना कुछ भी किसी को कह सकते हैं आप, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। बोलने का अधिकार हर लोगों को है, ऐसा थोड़ी है कि वो अगर मान लें कि कांग्रेस आएगी तो हम लोग का जो है ना मतलब कि कुछ और हो जाएगा, और वो जो भाजपा की सरकार है तो कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जावेद वारसी। कब से दुकान कर रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर 10-12 साल से है। 10-12 साल जी।
जीएसटी और नोटबंदी से कुछ फर्क हुआ है दुकान में? हाँ, फर्क तो पड़ा है। कम हुआ बिक्री है ज्यादा? नहीं, हम लोग का तो कम हो गया। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, हम लोग का तो दिक्कत हो गया कारोबार करने में। नोटबंदी नहीं, चीज तो अच्छा ही था, मगर छोटे व्यापारी के लिए वो गलत हो गया हम लोग के लिए। छोटे जीएसटी भी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, हम लोग जीएसटी से माल ले रहे हैं। यहाँ पर 10-15 साल से यहाँ पर दुकानदारी कर रहे हैं भागलपुर में। इस बार क्या बेहतर लग रहा है कि आप 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है भागलपुर में? ये जो अभी भाई बड़े भाई बताएंगे वही बेहतर होगा, जो बता रहे बड़े भाई। स्मार्ट सिटी जिस तरह से कहा जा रहा है कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, सिर्फ नाम दे दिया गया है स्मार्ट सिटी। हाँ, सिर्फ नाम दे दिया गया है स्मार्ट सिटी, काम कुछ नहीं। जो आज से 5 साल पहले था वही आज भी, वही आज भी है। यहाँ जो स्थानीय सांसद थे आरजेडी के बुलो मंडल, उन्होंने काम क्या किया? कुछ नहीं किया। मोदी जी के कार्यकाल से कुछ है? कुछ भी नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। मोदी जी भी कुछ नहीं किया? कुछ नहीं, कोई भी कुछ नहीं किया। विकास हुआ है भागलपुर में 5 साल में? हाँ, हुआ तो है। हुआ है विकास? जी हाँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में हुआ है। देखिए, वो तो विकास जो हुआ है इनके समय में हुआ है, नहीं नहीं, सीएम जो है भाई यहाँ के, नीतीश कुमार जी। हाँ, नीतीश कुमार का काम? हाँ बिल्कुल। भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है, क्या लग रहा है स्मार्ट सिटी के तरफ? अभी तो नज़र नहीं आ रहा है। अभी नज़र नहीं आ रहा जी? हाँ, अभी तो नहीं आ रहा। यहाँ उन्होंने आप लोगों से कभी मुलाकात वगैरह की है? कभी आप उनको देखे हैं? नहीं, हम नहीं देखे सर, पर्सनली नहीं देखे। 2019 की लोकसभा चुनाव कुछ दिन बाद मतदान होती है जी, क्या लग रहा है आपको भागलपुर किस तरह रूप करेगा? देखिए, हम मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो रुझान होता है कि सारा वोट जो है बुलो मंडल को जाएगा। हाँ बिल्कुल, मेरा अपना अनुमान है जी। हाँ, करीब 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 नहीं, भागलपुर की बात कर रहे हैं, भागलपुर जी। हाँ जी, हाँ जी, उनको उनको जाएगा। आपकी दुकानदारी किस तरह चल रही है? बहुत अच्छा सर जी। हाँ, जीएसटी नोटबंदी से कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, तत्काल जो समय बहुत पड़ा था दुकानदारी, बहुत प्रभाव पड़ा था सर, अब सामान्य हो गया है जी। हाँ, भागलपुर में तो विकास नाम का हमको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा रोड वगैरह नाली उली थोड़ा बना है, और कोई खास बात नहीं आता है। बिजली वगैरह ठीक हो गया पहले से? हाँ, पहले से ठीक। हाँ, पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है भागलपुर को? हाँ, स्मार्ट सिटी वाला लक्षण दिख रहा है आपको? स्मार्ट सिटी नाम की तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ जो आता है यहाँ पर जो होना चाहिए विकास तरक्की वाला, वो सब बात नजर नहीं आ रहा। आप दुकानदारी कर रहे हैं, जीएसटी और नोटबंदी से कुछ फर्क हुआ था? हाँ, नोटबंदी की वजह से बहुत खराब असर पड़ा था हम लोग के बिजनेस पर भी। हाँ, जीएसटी की वजह से भी बहुत खराब है। हाँ, स्थानीय सांसद जो यहाँ के हैं उन्होंने काम किया कुछ भागलपुर में? स्थानीय सांसद में तो अभी और कोई खास काम नहीं है भाई, जब पहले आप बोला जाए उसमें कि पहले से तो अच्छा है कुछ, पहले से अच्छा। हाँ, पहले से कुछ अच्छा है। अब 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाली है। हाँ, भागलपुर का रुख क्या रहेगा? भागलपुर का रुख समझिए कि अभी तो हम देख रहे हैं लोग का चहल पहल अभी इससे ज़्यादा जुदा है, कांग्रेस और लालू की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। हाँ, इधर मोदी बीजेपी की तरफ उतना यहाँ पर नहीं है लोग उसका ध्यान, कि देश को बहुत किनारे ले गया। हाँ, उम्मीद तो जैसा लग रहा है, हाँ उम्मीद तो लोगों के रिहाइश से लग रहा है कि बोलो मंडल का काम, मोदी लहर नहीं चलने का उम्मीद है। मोदी लहर नहीं चलने, हाँ मोदी लहर नहीं चला था, लेकिन उसमें तो हम लोग भी यह समझा था कि मोदी नहीं निकलेगा, लेकिन एक बैग काया पलट हो गया और मोदी का कुछ वोट के बारे में भी सुना, कुछ गड़बड़ हुआ बैलेट बॉक्स वगैरह में, जिसके वजह से वो निकल गया। क्या आप मोदी के कार्यकाल से खुश हैं? मोदी तरह के कार्यकाल? नहीं, मोदी के कोई काम से तो हम लोग खुश नहीं हैं,
मोदी का कोई काम अच्छा नहीं है। महंगाई बहुत आसमान में पहुंचा हुआ है, समझा ना, और बहुत परेशानी है उसके वजह से, मोदी के वजह से हम लोग का। उससे अच्छा तो लालू रास्ता हम लोग के लिए। क्या नाम हो बाबा आपका? मोदी बुल्ला। कब से दुकानदारी यहाँ पर कर रहे हैं आप? हम 1980 से। 1980 से कर रहे हैं। भागलपुर में कुछ विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं। यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं भोलो मंडल, उन्होंने कुछ नहीं किया। स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है भागलपुर तो कहाँ काम हुआ है? पहली बार तिलका मांझी, एक तो तिलका मांझी रोड का किया कर रहा, कहाँ अभी तक रोड बना, न नाली बना, न पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। स्मार्ट सिटी खाली कागज़ पर स्मार्ट सिटी हो गया, सिर्फ कागज पर, खाली कागज पर, कोई काम नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का। रोड नाली सब नहीं बना, कुछ नहीं बना। जो ठेकेदार आता है आधा बनाता है भाग जाता है। हाँ चलिए दिखला दे आपको सैंपल देखना, चलिए दिखला देते हैं। एक तो इतना सा नाला बनाया उसका ठेकेदार भाग गया। कोई सब कुछ तरीका है यार। हम कहें कि हमने ये पास किया, आपको काम करना है, अब कागज़ पत्र नहीं देखिए, आपको ठेकेदारी मिल गया, समझे ना, तो आप उसको कंप्लीट कीजिए। नहीं कंप्लीट करते रहे, देखिए कहे ने कंप्लीट किया, पैसा ले लीजिए भाग गया। स्मार्ट सिटी बनने तक का कोई फायदा नहीं, स्मार्ट सिटी बनने यहाँ इतना जाम लगता है कि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। वर्तमान सांसद जो बोलो मंडल है वो कुछ किए हैं? कुछ किए तो नहीं है, लेकिन करने का अभी फिर से वादा कर रहे हैं। करने के वादा फिर से कर रहे हैं? एक बार जीत के गए तो कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए। क्या लग रहा है इस बार जीतेंगे तो करेंगे? हाँ उनको जिताना ही और करेंगे ही, करवाएंगे ही। उनको जिताना है, करेंगे या करवाएंगे? करवाना ही है। अच्छा, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है भागलपुर को? वो तो कभी शाहनवाज हुसैन ने कर दिलवाए स्मार्ट सिटी का दर्जा, लेकिन कहाँ कुछ किए? कुछ नहीं किए। इस बार एनडीए की तरफ से अजय मंडल जी, कोई उपाय नहीं, चोर चौहड़ को देखे इलेक्शन क्या करेगा आदमी, चोर चाह रहे हैं और क्या। आते हैं क्षेत्र में घूमने के लिए? नहीं, आज तक नहीं आए, एमएलए रहे तो नहीं आए, तो अब तो एमपी वाली बात है। तो क्या लग रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर का रुख क्या रहेगा? लालटेन छाप। लोकल मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं। विकास का कोई मुद्दा नहीं भागलपुर का? सब तो वह बात बोलता, गाड़ी चलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करता। बिजली देंगे, बिजली काटेंगे, बिजली फ्री करेंगे, कुछ नहीं करता। सड़क वगैरह बना है क्या? थोड़ा बहुत बना, लेकिन एक तरफ बनता दूसरी तरफ खत्म हो जाता, यहाँ से नाथनगर बना, उसके बाद फिर नाथनगर से जो आगे बेकार हो गया। तो इस बार भागलपुर लालटेन हो रहा है? बेशक दोबारा वही रहेंगे। अच्छा, मोदी सरकार के कार्यकाल से आप खुश हैं? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। वो तो हिंदू मुसलमान करके पूरे देश को बर्बाद किए हुआ है। नॉट इलेक्शन, हिंदू मुस्लिम, कोई जाति पाति है ही नहीं उसके पास, मुस्लिम हो कि हिंदू हो, उसे खाली बस राम राम करो वोट जीतो, लो राम राम करो वोट लो, हिंदू को मुसलमान को मारो वोट लो, गौ हत्या बंद करो वोट लो, मंदिर तोड़ो वोट लो, मंदिर लगाओ वोट लो। आपके दुकान पर नोटबंदी जीएसटी से कुछ फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा, हमारा आधा कस्टमर भाग गया। आज तक सब छोटा परिवार रोजगार वाला बर्बाद हो गया, वो बड़े के लिए नोटबंदी था, बड़ा बदल के अपना अरबपति हो गया, छोटा तो बेचारा लाइन में लगा मर गया। तो आपने देखा कि भागलपुर के ततारपुर मार्केट की जनता किस तरफ अपना रुख आजमा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि 2019 की लोकसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट भोलो मंडल या एनडीए के तरफ से जेडीयू उम्मीदवार अजय मंडल की जीत होती है। अब तो ये आने वाले समय ही बताएगा कि 2019 की लोकसभा चुनाव में भागलपुर किसके झोले में जाती है। कैमरामैन विकास कुमार के साथ मैं केशव कुमार झा, लाइव स्टेज भागलपुर।